मॉनसून से पहले सरकार नाला सफाई को लेकर लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है, मगर उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से नाला सफाई से लेकर पुख्ता तैयारियों के दावे धरातल पर वो दावे फेल होते नजर आते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिल्ली NCR का हिस्सा कहे जाने वाले बुलंदशहर की है, जहां पालिका प्रशासन की ओर से तैयारियों को लेकर किए जाने वाले दावे महज कुछ देर होने वाली बारिश में बह गए। शहर का मुख्य चौराहा हो या सरकारी गैर सरकारी दफ्तर, धार्मिक स्थल हो या बाजार, हर जगह तालाब में तब्दील नजर आती है। ये हाल सिर्फ शहर की किसी एक कॉलोनी या मोहल्ले का नहीं है, बल्कि बुलंदशहर में होने थोड़ी देर की बारिश के बाद पूरे शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे न सिर्फ लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, बल्कि जिन इलाकों में पानी जमा हो जाता है उन इलाकों में बीमारी फैलने का खतरा भी बना रहता है। यहाँ पानी की वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं और पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है, घरों में पानी चला जाता है, रात बारिश में आए तो पूरे लोगों का सामान भीग गया, खराब हो गया है। और हम कई बार शिकायत में चेयरमैन मनोज गर्ग को कर चुके हैं और हम 10-10 आदमी गए हैं उनके पास में और उन्होंने आश्वासन दे दिया कि नाले, बड़ा नाले को साफ कराने के लिए और इसको मोहल्ले को छोटी नाली को बनवाने के लिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करते हैं, बस हाँ में हाँ मिला देते हैं और कोई काम नहीं हो रहा। दूसरा कि यहाँ नाले पे कूड़ा डालते हैं और बीमारियाँ मोहल्ले में आने की शिकायत हैं कि डेंगू है, अभी कोरोना भी चल रहा है, बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो बीमारियाँ, बुखार है, मलेरिया होने का खतरा बना हुआ, मच्छर बहुत पैदा हो रहा है, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं और यहाँ से जाने आने के लिए इतनी परेशानी है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन काम कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी बारिश होती है पानी बहुत भर जाता है, देखिए क्या हाल हो रहा है। हाँ। गाड़ी निकलने तक मुश्किल हो जाता है, गाड़ी में पानी घुस जाता है। हाँ। घर के अंदर आता है। हाँ। बाहर के नाले का पानी सारा अंदर घुस जाता है घर के अंदर। अच्छा। यहाँ तक कि बाहर अगर कुछ सामान लेने भी जाए तो जाने की स्थिति बिगड़ हो जाती है कि नाला की वजह से आता सारा नाला चौक हो रहा, बंद हो रहा पूरा, जो कूड़ा करके भर जाता लोगों का, उससे पानी बैग मार देता है, बीमारी तो बहुत फैल जाती है, कहीं डेंगू है, मलेरिया है, कई बीमारियां हैं जिसे फैलने डर रहता है बच्चों का। हाँ, अभी लाइट की स्पार्किंग हुई थी, इसमें करंट मारता था तो मुझे बच्चे थे पानी भरने से स्पार्किंग हो गई थी। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी, Time 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।